अस्सलामुअलैकुम, आई एम सितनास। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं टोबा टेक्सिंग में आई हुई हूँ अपने मामू के घर। तो यहाँ उनका घर दिखा रही थी मैं आपको। हम लोग बच्चे जो थे वो सब जाग रहे थे, बड़े सब सो रहे हैं। तो हलीमा जो है वो पैनकेक बनाने लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो हलीमा का वेट कर रहे हैं, हलीमा अभी ऊपर फ्रेश होने गई हुई है, अभी आती है तो फिर हम पैनकेक बनाएंगे। तो पैनकेक बनाने की उसकी अपनी ही रेसिपी है। हम यहाँ हलीमा का वेट कर रहे हैं, वो तक आ रही है, तो फिर हम साथ ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हलीमा जो है वो आ चुकी है। हलीमा ने यहाँ पे मैदा लिया है, आटा लिया है। हलीमा के जो पैनकेक्स हैं वो बनेंगे मैदे से नहीं, आटे से बनेंगे। तो हलीमा ने यहाँ पे एक कप आटा लिया है, तो इसमें ऐड कर रही हैं, चीनी ऐड करने लगी हैं। चीनी कितनी लेंगे? टेबलस्पून ले रहे हैं, तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं। 2 चम्मच चीनी के लिए हैं यहाँ पे। और अब इसमें क्या ऐड होगा? बेकिंग पाउडर लिया है, तकरीबन 1 चम्मच ऐड होगा ये भी इसमें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो ये बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड हो गया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, तकरीबन 1/2 चम्मच। और यहाँ पे मिल्क पैक लिया है उन्होंने, दूध 1/2 कप लिया है, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें दूध ऐड करेंगे, 1/2 कप ऐड करेंगे। ये देखिए इसने 1/2 कप जो है वो दूध ऐड कर दिया है। तो अब इसको मिक्स करना है, लेकिन इसमें 1 अदद अंडा भी ऐड करना है उससे पहले। तो ये हलीमा ने अंडा भी फेंट लिया इसको अच्छे से, और अब इसमें ऐड कर देंगे और फिर इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लें इसको। बहुत ही मज़े की सारी चीज़ें जो वो घर में ही अवेलेबल होती हैं, ये चीज़ें जो इसने ऐड की हैं। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल कितना आ जाएगा इसमें? 1 टेबलस्पून, 2 स्पून डाले हैं इसमें ऑयल के, और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। पैन को हमने फुल गर्म कर लिया है, तो अब हलीमा इसमें ऐड कर रही है जो पेस्ट हमने बनाया है उसको, स्पून की मदद से ही ऐड कर रही है इसमें। देखिए इस तरह से इसमें ऐड कर लेना है। तो कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया था बस वही है, वैसे पैन में ऑयल नहीं लगाया। इस तरह से अब हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है। तो अब इसको पलटेंगे तकरीबन 1 मिनट के बाद, इसको पलट देना है। ये देखें आराम आराम से इसको पलट देना है। हलीमा ने इसको पलट दिया है, वेरी गुड हलीमा, बड़ी अच्छी कुक है। खुशबू तो वैसे अच्छी आ रही है। तो हमने इन पैनकेक्स को एक साइड से 1 मिनट के लिए पकाया, दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पकाया, तो ये बन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखते हैं ये सर्व कैसे करती हैं हलीमा इसको। तो ये पैनकेक्स निकाल लिए हैं। अब इसको ये क्या है, शुगर पाउडर है इसमें, इस तरह से इसको लगा लिए शुगर पाउडर को। दूसरे पे क्या लगा रही है, डिफरेंट तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो एक पे ये लगा रही हैं हनी, हनी लगा दिया इस पे, शहद लगा दिया। तो नेक्स्ट वाले पे क्या लगा रही हैं हबीबा, हबीबा लगा रही हैं इस पे जैम, इस पे जैम लगा दिया है। तो ठीक है जी, इसको हम 3 तरीके से सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे शुगर पाउडर लगा दिया एक पे हल्का सा, दूसरे पे हमने हनी लगाया, तीसरे पे जैम लगा दिया। तो इसको आप 3 तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है, घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमें। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैं लगी इसको खाने। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।